हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल, हेल्दी, डिलीशियस एंड टेस्टी केक की रेसिपी लेके आया हूँ। ये एक ड्राई केक और टी टाइम केक है। इसे आप शाम को अपनी फैमिली के साथ में चाय या कॉफी के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट पाउंड केक। इसकी रेसिपी भी थोड़ी यूनिक होने वाली है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट बेल आइकन बटन, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो लेके आऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले हम लेंगे 200 ग्राम बटर, सॉफ्ट बटर यूज करना है हमको रूम टेम्परेचर पे। अब हम इसमें डालेंगे ब्राउन शुगर 200 ग्राम, ग्राम डेट सिरप, वेनिला एसेंस 5 ml, इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। इन्हें क्रीम करना है जब तक शुगर और बटर अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते। तो ये हमारा बटर और शुगर अच्छे से क्रीम हो गया है। अब हम इसमें फ्लावर शिफ्ट करेंगे। तो यहां मैं ले रहा हूं 80 ग्राम होल व्हीट फ्लावर, यानी गेहूं का आटा। एंड 120 ग्राम मैदा, यानी कि रिफाइंड फ्लावर। अब इनको शिफ्ट कर लेंगे। इन्हें कदन फोल मेथड से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं डालूंगा 5 ग्राम बेकिंग पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेना। कोको पाउडर 30 ग्राम, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो ये हमारा फ्लावर मिक्स हो गया है, इसे ओवर मिक्स नहीं करेंगे नहीं तो इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा डेंस हो जाएगा। अब हम इसमें एग मिलाएंगे। यहां से मैं विस्क का यूज करूंगा। अब हम इसमें मिलाएंगे ड्राई फ्रूट। यहां मैं ले रहा हूं ब्लैक रेजिन एंड वॉलनट। इन्हें भी हम मिक्स कर लेंगे कट एंड फोल्ड मेथड से। तो ये हमारा बैटर रेडी है। ये हमारा केक का बैटर जाएगा बेकिंग मोल्ड में। इसे टैप करना ताकि जो भी इसमें एयर गैप होगा वो फिल हो जाएगा। अब ये जाएगा बेक होने के लिए ओवन में 170 डिग्री पे 40 मिनट के लिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा चॉकलेट पाउंड केक खाने के लिए तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने घर पर जरूर ट्राई करें। लाइक माय वीडियो, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन बटन, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्दी मिलेंगे नई रेसिपी के साथ में। बाय।